छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। अब राज्य के कर्मचारियों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसके लिए वित्त विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। ये आदेश UGC AICT कार्यभारित है और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने पर नगरी निकाय प्रकोष्ठ कर्मचारी कांग्रेस के नेता संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए आशा व्यक्त करी कि लंबित मांगे भी शीघ्र पूरी कर दी जाएगी। सबसे पहले तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो 3 स्तरीय जो 4 सूत्री 2 सूत्री मांग को लेकर जो 3 स्तरीय जो आंदोलन हुआ था, उसमें ये प्रमुखता से मांग रखी गई थी कि देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाना। देय तिथि मतलब जब जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तब तब राज्य सरकार ने बढ़ाया है, तो उसका एरियस के साथ आप जो है अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता DA की राशि देते। और HRA की मांग थी कि HRA को भी लागू किया जाए, तो HRA के लिए इन लोगों ने कमेटी बना दी और थोड़ा समय मांगा इन लोगों ने, नवंबर दिसंबर तक का थोड़ा उसमें लिस्ट है, थोड़ा समय लगेगा। और दूसरा ये कि जो कल घोषणा हुई है 5%, 28 से 5 33 हुआ है, फिर भी हम अभी 38% केंद्र सरकार ने घोषित किया, 33 आपने किया, 28 से 5, इसके लिए साधुवाद देते हैं हम पूरे मंत्रिमंडल को, खासकर मुख्यमंत्री जी को। लेकिन हमारा अभी बात अधूरी है, स्टैंड अधूरा, चूँकि जो लगातार आंदोलन चला लास्ट मंथ में 3 स्तरीय, तो उसमें ये बात हुई थी कि दे तीसरी तिथि दिया जाएगा, समझौता भी हुआ था चीफ सेक्रेटरी जी के साथ में। बीच में हमारे राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी, मंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जो है, उन्होंने भी ये समझौता करवाया था कि दे तिथि से दिया जाएगा, जो कि हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो हमारे जो कमल वर्मा है, हम प्रांतीय बॉडी के हैं, उन्होंने भी ये समझौता किया था कि दे तिथि दिया जाएगा, जो कि अभी आदेश को लेकर निकल जो आदेश आया। तो हम चाहते हैं दे तिथि से एरियस की गणना करके जो है कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में डाला जाए, और HRA की घोषणा भी 1 नवंबर के पहले, राज्य स्थापना दिवस के पहले किया जाए।